टुडे इज फोर्थ ऑफ फेबर 2020. थाउजेंड एंड ट्वेंटी लेटेस्ट क्विक डिस्कशन ऑन टूडेज न्यूज़पेपर द हिंदू आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस रिलीजियस बिलीवस सेकेंड इज अबाउट नोवल कोरोना वायरस केरला में स्टेट कैलामिटी डिक्लेअर हुआ है थर्ड इज अबाउट विल नॉट स्पलर्ज टू एंड स्लो डाउन ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है देन फोर्थ इज अबाउट डिफेंस एक्सपो ट्वेंटी ट्वेंटी उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये फिफ्थ इज अबाउट रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्ड वेपन्स देन सिक्स इज अबाउट इलेक्शन मैनिफेस्टो सेवेंथ इज अबाउट आई जी एन सी ए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दी आर्ट्स एट है मुक्ति कैरावन ये राजस्थान में चल रहा है देन निमाह ये एक ये एक प्रोग्राम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस का टू हेल्प आई टी बी पी स्टाफ टू बीट स्ट्रेस देन टेंथ है कैमल इन द टेंट कैमल इन द टेंट ऊंट देन इलेवेंथ इज अबाउट टू वर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ट्वेल्थ इज ब्रेगजिट एंड यूरोपियन यूनियन एंड देर इज न्यूज ऑन ऑपरेशन वेने ड्रिंग्स आईलैंड टूगेदर दैन विल टॉक अबाउट सियाचिन कैग रिपोर्ट देन फिफ्टींथ इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सिक्सटींथ है फॉर्मल जॉब्स इसमें एन चंद्रशेखरन का स्टेटमेंट हम देखेंगे ही इज हेड ऑफ टाटा ग्रुप्स देन सेवनटीन्थ इज अबाउट आर बी आई चीफ शक्ति कांता दास एंड एटींथ इज बी बी सी इंडिया स्पोर्ट्स वेमेन ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स नॉमिनेशन सो लेट एस स्टार्ट द डिस्कशन नाउ विल ट्राई टू कम्पलीट ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स पहला कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस रिलीजियस बिलीव हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स है वो बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और जो आर्टिकल फोर्टीन है ये कहता है राइट टू इक्वालिटी तो मैनी टाइम्स ये जो रिलीजन है इसका क्लैश हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के राइट right से रिलीजियस बिलीव्स वर्सेज कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि आप सबरीमाला केस देखो टेम्पल विमेन एंट्री मॉस्क में एंट्री पारसी वेमेन इंटरफेथ मैरिज होती है तो उनको डिसोन कर देते हैं अलाउ नहीं करते हैं कम्युनिटी में तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स हैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल नाइन जज बेंच अभी फॉर्म किया था और इस बेंच का पर्पज़ ये था कि ये जितने भी आ, हमारे फ्रिक्शन पॉइंट आते हैं बिटवीन रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इसका एक फेयर एंड बैलेंस्ड वे में एक मिडिल पाथ फाइंड आउट करना सो दिस इज़ अबाउट दैट इसमें जो आ, जो बेंच है उस पर कुछ क्वेश्चन उठाए हैं यहाँ पे देन द पॉइंट इज अभी ये ऑन गोइंग प्रोसेस है विल फॉलो इट एंड सी वॉट द जजमेंट्स आर मेड देन सेकेंड इज न्यू कोरोना वायरस आउटब्रेक डिक्लेयर्ड अ स्टेट कैलामिटी इन केरला जैसे सेंटर में होता है ना एनडीए में नेशनल डिजास्टर ऐसे स्टेट में होता है स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन देन एस डी ए में होता है देन जो सेंटर में होता है और जो स्टेट में होता है तो जो स्टेट है उसने अभी डिक्लेयर किया है कि ये जो नोवल कोरोना वायरस है ये स्टेट कैलामिटी बन गया है केरला में देन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हाइजीन मेंटेन करें क्लीन फूड लें हैंड्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली वी शुड कवर आवर फेस वाइल स्नीजिंग सो दिस इज़ अबाउट नोवल कोरोना वायरस अभी केरला में थर्ड इंसिडेंस हुआ है जिसमें एक पेशेंट मिला है जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन मिला है उसमें सो दिस इज़ अबाउट नोवल कोरोना वायरस इन केरला ये एपेडमिक स्टेट कैलॉमिटी डिक्लेयर हुआ है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस डी एम ए ने इसे डिक्लेयर किया है देन दिस इज़ अबाउट विल नॉट स्पल्ज टू एंड स्लो डाउन इसका क्या मीनिंग होता है स्प्लर्ज का स्प्लर्ज का मीनिंग होता है स्पेंड मनी फ्रीली तो डू यू रिमेंबर टू थाउजेंड टू का ग्लोबल रेसेशन जब आया था तो इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी उस टाइम पे इकॉनॉमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने जी खोल के हाथ खोल के पैसे खर्च किए बहुत इजी लोन सबको प्रोवाइड किया गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत हाई हो गई रीज़न क्या था गवर्नमेंट चाहती थी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े लोगों के पास पैसा आए ताकि हम रेसेशन से बाहर निकल सकें तो लोन्स बहुत फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हुए इजी मनी सप्लाई हो गया था मार्केट में इससे क्या हुआ कुछ टाइम बाद यही सब चीज़ें बन के आज की प्रॉब्लम हो गई है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की मार्केट में ना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है और मार्केट में उतनी एबजॉप्शन कैपेसिटी नहीं है तो उससे अननेसेसरी प्राइस हाइक्स होते हैं और इकॉनॉमी को काफ़ी डैमेज होता है तो यहाँ पर इकॉनॉमी का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही पैसे हमें पंप करने चाहिए ये जो ग्रोथ बबल आता है ना आर्टिफिशियली हम रिसेशन से बाहर आ जाते हैं विदाउट फिक्सिंग अवर फंडामेंटल प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल चेंजेस किए बना बट ये जो ग्रोथ बबल होता है वो फिर क्विकली बर्स्ट भी हो जाता है सो दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल वे तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि गवर्नमेंट विल क्रिएट एसेट्स ट्रांसपेरेंटली हम अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करके एक ग्रोथ फेज नहीं लाना चाहते हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ फेज लाना चाहते हैं तो दे हैव सेड दैट विल नॉट स्प्लर्ज टू एंड स्लो डाउन स्प्लर्ज नहीं होगा मतलब मनी फ्रीली स्पेंड नहीं करेंगे जहाँ जस्टिफाइड है वहाँ ही बस पैसे खर्च किए जाएंगे सो दिस इज पेज नंबर वन देन दिस इज़ पेज नंबर टू ये जो न्यूज़ एडवर्टाइज़मेंट है ये है डिफेंस एक्सपो में यहाँ डिफेंस सेक्टर की बात किया है डिफेंस एक्सपो 2020 उत्तर प्रदेश में चल रहा है ये डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात है लखनऊ अलीगढ़ आगरा आगरा कानपुर झांसी चित्रकूट ये बनेंगे डिफेंस कॉरिडोर ये यूपी का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात है यहाँ पे डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में कंपनीज को ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस रहेगा उनको परमिशन ईजीली ग्रांट किया जाएगा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड दिया जाएगा कनेक्टिविटी देंगे रोड्स रेल्स एयरवेज़ की सिंगल विंडो क्लियरेंसेज मिलेगा द होल आइडिया इज़ कि यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनीज आएँ और अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश करें ये बनेंगी मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना चाहते हैं ये बिकॉज इंडिया में वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग कम है डिफेंस इक्विपमेंट्स की सो so, इससे हमारा पर्पज सॉल्व हो जाएगा और हम डिफेंस में सेल्फ सस्टेनेबल बन सकते हैं ये पूरे एरिया है यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात है देन नाउ होस्टिंग द बिगेस्ट डिफेंस एक्सपो है ये डिफेंस एक्सपो ना बाईनियल है हर दो साल में होता है ये देन दिस इज़ पेज नंबर टू एंड दिस इज़ पेज नंबर थ्री ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वेपन में हम कई बार देखते हैं ना गवर्नमेंट वेपन्स होते हैं अगर वो स्टील हो जाते हैं या उसका मिसयूज़ होता है तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वेयर दैट वेपन इज़ और किसने यूज़ किया इसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है कि हम सारे वेपन्स को आर एफ आई डी टैग कर दें जैसे आर एफ आई डी क्या होता है जैसे आपने व्हीकल्स में देखा वेपन्स में देखा क्लोथ्स में देखा इसमें एक छोटा सा चिप लग जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटी का ये जो टैग होता है या तो ये एक्टिव हो सकता है मतलब खुद की पावर है इसके पास बैटरी ऑपरेटेड या फिर ये पैसिव होता है पैसिव होता है तो आप जैसे मॉल्स में देखो आप क्लोथ्स बाहर लेके जाते हैं कि कोशिश करते हो विदाउट पेमेंट तो वो अपने आप अप अलार्म्स बजने लग जाते हैं आप अपनी कार को अभी जो टैग टोल टैग जो आया था फास्ट टैग उसमें आपको बैरियर से जब क्रॉस करना है तो वहाँ पे आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू जो टोल बूथ है वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये आपकी कार है बैलेंस कितना है और उसके अकॉर्डिंग आपका डिडक्शन्स हो जाएंगे टोल चार्जेस सो ये सब होते हैं ये होते हैं पैसिव ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉक्सिमिटी में आते हैं कैचर रिसीवर की प्रॉक्सिमिटी में आते हैं तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है जहाँ पे भी चिप लगा हुआ है ये क्या है वो वेपन कौन सा है वो व्हीकल कौन सा है वो क्लोथ कौन सा है ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती है तो व्हीकल आर एफ आई डी टोल प्लाजा में एक्टिव हो जाती है क्लोथ्स अगर आप चेक गेट में जाओ तो एक्टिव हो जाती है सिमिलरली हम वेपन्स में आर एफ आई डी लगा देंगे इससे वेपन्स को आइडेंटिफाई करना उनको काउंटिंग करना प्रिवेंट करना उनका मिस यूज़ ये सारी चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी देन इसमें हम एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी लगाने की बात है इससे क्या होगा फॉर एग्जाम्पल समबडी स्नैज अ वेपन फ्रॉम अ पुलिस पर्सनल बट जब तक फिंगरप्रिंट उस पुलिस पर्सनल का नहीं लगेगा वो उसको फायर नहीं कर पाएगा तो इमेजिन इससे कितना रिलीफ हो जाएगा हमें वेपन अगर चुरा के भागते हैं तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे वेपन यूजलेस होगा बिकॉज उसके फिंगरप्रिंट उससे मैच होंगे नहीं देन इससे वेपन्स का मिसयूज स्टॉप हो सकता है वेपन्स के ऑनर का हमें हम डिटेल्स फीड हो जाएंगे लाइक like, वेपन्स ना इशू होते हैं आर्मरी होती है जहाँ पे सारे वेपन्स रखे जाते हैं और यहाँ से वेपन्स इशू होते हैं कि अगर ये आइडेंटिफिकेशन लगा हुआ है ना तो आप उस आर्मरी में आइडेंटिफाई कर लोगे कि इस ड्यूरेशन में इस डे में ये वेपन किसको इशू किया गया था तो देन अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से ये बहुत अच्छा होगा और सबसे अच्छी बात है इससे अकाउंटेबिलिटी सेटअप होगी ट्रैकिंग ईजी हो जाएगी तो अभी कुछ सिक्स थाउजेंड वेपन् में इन्होंने ये ट्रायल बेसिस में लगा रहे हैं और इसके रिजल्ट्स के बाद ये फर्दर फर्दर वेपन्स में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सो दिस इज़ पेज नंबर थ्री एंड दिस इज़ पेज नंबर फाइव वट डज इट मीन बाय मैनीफेस्टो मैनीफेस्टो मतलब होता है इट इज़ अ पब्लिश डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशंस आपकी इंटेंशंस क्या हैं है, आपके मोटिव्स क्या हैं आपके व्यूज़ क्या हैं अगर ये इलेक्शन रिलेटेड होता है तो हम इसे बोलते हैं इलेक्शन मैनीफेस्टो ये इटालियन वर्ड है इलेक्शन मैनिफेस्टो पॉलिटिकल होता है तो वो इलेक्शन मैनिफेस्टो और अगर रिलीजियस होता है ये सब चीज़ें तो उसको हम बोलते हैं क्रीड्स जैसे एक गेम है ना असैसिन क्रीड्स ये क्रीड्स कहलाता है रिलीजियस पर्पज में दैट इज कॉल्ड क्रीड्स सो दिस इज पेज नंबर फोर एंड दिस इज पेज नंबर फाइव यहाँ पे बात किया है आई जी में 1800 सीट का नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर बनाया जाएगा ये है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दी आर्ट्स ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है ये हम इंडिया गेट जाते हैं ना उसके पास में इसकी बिल्डिंग है आई की ये दिल्ली में है अब जो सेंट्रल विस्टा रिवैम्प हो रहा है मतलब नई बिल्डिंग्स नया पार्लियामेंट नया प्रेसिडेंट हाउस ये सब बन रहे हैं तो वहाँ पे इसको भी रिवैम्प करने की बात है यहाँ पे 1800 सीट्स का एक नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स बनाया जाएगा सो दिस इज़ पेज नंबर फाइव एंड दिस इज़ पेज नंबर सिक्स ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मुक्ति कारावन मोबिलाइजिंग पीपल अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिक ये चाइल्ड ट्रैफिक बहुत पेनफुल पार्ट है अवर सोसाइटी इसमें क्या होगा मुक्ति कैरावन ये ऐसा व्हीकल है ये व्हीकल क्या करेगा ये मोबिलाइज करेगा पीपल अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग फोकस करेगा ऑन जनरेटिंग अवेयरनेस अवेयरनेस होना जरूरी है अगेंस्ट फोज्ड लेबर एक्सप्लाइटेशन एंड सेक्शुअल अब्यूजेस इन तीनों को स्टॉप करना बहुत जरूरी है देन ये एट डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगा राजस्थान में कवर करेगा अगले दो महीने में इसका काम क्या होगा अवेयरनेस फैलाना पैम्फलेट्स देगा डिस्कशंस हेल्ड होंगे चाइल्ड लेबर सर्वाइवर्स जो हैं वो इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं राजस्थान पुलिस और कैलाश सत्यार्थी जो नोबल विनर है इनका नोबल कैलाश सत्यार्थी का चिल्ड्रन फाउंडेशन है ये दोनों मिलके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चिल्ड्रन ऑफ फ्यूचर इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रेज दैम करेक्टली सही गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है देन दिस इज़ मुक्ति वाहन देन दिस इज़ पेज नंबर सिक्स एंड दिस इज पेज नंबर सेवन ये देखो ये संगम है प्रयागराज में प्रयाग मतलब होता है दो रिवर का संगम ये प्रयागराज है बिकॉज यहाँ पे तीन रिवर का संगम हो रहा है एक रिवर है गंगा दूसरी रिवर है यमुना अब आप बताओ कि तीसरी रिवर कौन सी है देन ये साइबेरियन विंटर में ये जो हैं बर्ड्स हैं गर्ल्स हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं बिकॉज साइबेरिया में अभी बहुत ठंड है तो वो इंडिया में माइग्रेट कर जाते हैं इस टाइम पे दिस पार्ट ऑफ सीजन में देन असम रिवर ऑन फायर आफ्टर क्रूड स्पिलेज ये असम में बूढ़ी दिहांग रिवर है यहाँ पे क्रूड ऑयल स्पिलेज के कारण यहाँ पे पानी में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है एक्वेटिक लाइफ का लॉस होता है दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न हम जो वाटर वेज़ की बात करते हैं ना अभी बढ़ा के हंड्रेड एंड सेवनटीन हो गए थे इन वाटरवेज़ में अगर एक्सीडेंट हो गया तो ये बहुत डिजास्टरस होता है रिवर इकोसिस्टम के लिए दैट इज़ वाई अगर हम हम बहुत कॉशियसली स्टेप में जाना चाहते हैं जो रिवर वाटर वेज हैं इसमें बहुत प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है देन दिस इज़ वॉम ऑफ लोकस्ट रिस्पॉटेड इन बॉर्डर विलेज ऑफ पंजाब अभी पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी लग गई थी इसके लिए लॉकस्ट के लिए रीज़न क्या है ये लॉकिसट होते हैं ये टिड्डा है ना ये टिड्डे जैसे होते हैं ये बहुत स्वॉम आता है मतलब बहुत हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ टिड्डे एक साथ आएंगे इनका पूरा झुंड आता है और ये स्टैंडिंग क्रॉप को विद इन डेज़ पूरा फिनिश कर देते हैं अभी रबी क्रॉप्स जो हैं ये अभी कुछ टाइम पहले इंडिया में अटैक हुआ था फ्रॉम पाकिस्तान साइड ऑल हमने ड्रम्स और पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड से इन्हें बॉर्ड ऑफ कर दिया बट इनका थ्रेट अभी भी बना हुआ है देन इसलिए अर्ली वार्निंग बहुत ज़रूरी है जितना जल्दी हमें पता लग जाएगा ना कि स्वाम अटैक हो रहा है मॉनिटरिंग हो जाएगी उतना ही जल्दी हम अपना रिएक्शन दे सकते हैं हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं और हमारा एक्शन प्लान कर सकते हैं सो मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन ये जो है ये है एन आई एम एच ए एन एस इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसिस ये ट्रेनिंग दे रही है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आई को ये जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं ना ये बहुत चैलेंजिंग कंडीशन में वर्क करते हैं इट्स नॉट अबाउट कि सिक्योरिटी थ्रेट है इनको मेंटल मेंटल एगोनी एंड जो प्रेशर होता है काम करने का वो इतना ज़्यादा होता है कि मैनी टाइम्स आप देखोगे जो सिक्योरिटी पर्सनल है बीट आर्मी नेवी एयरफोर्स और ये सी आर पी एफ दे मैनी टाइम्स दे हैव दिस अनफॉर्चुनेट मेंटल ब्रेक डाउन सो दैट इज़ वाई मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज हम जिस रैपिड पेस वाली जनरेशन में हैं तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है वर्क स्ट्रेस बहुत रियल होता है काम का प्रेशर बहुत होता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना तो वर्क प्रेशर बढ़ता है लाइफ प्रेशर बढ़ता है ये सब इंक्रीज होती जाती है सो थिंग्स नॉट ऑलवेज़ टर्न आउट टू योर लाइकिंग्स सो दैट इज़ वाई जो मैंटली और इमोशनली वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर सेल्व इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ अवर सेल्व अब ये जो है ना एन आई एम एच ए एन एस ये कुछ प्रोग्राम्स करेगा और इन जो आई टी बी बी पर्सनल है इनको थ्रू लेक्चर्स एंड थ्रू क्लासेस दे विल ट्राई टू वॉर्ड ऑफ देयर स्ट्रेस लेवल सो दिस इज आइज ऑन द स्टार्ज ये हैं विक्रम साराभाई सेंटेनरी प्रोग्राम एट द जवाहर नवोदय विद्यालय इन केरला ये जो डॉक्टर विक्रम सारा भाई हैं ये पायोनियर हैं इसरो के इसे फाउंडिंग फादर में काउंट किया जाता है विक्रम सारा भाई को इज़ अ वेरी बिग नेम इन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देन दिस इज़ पेज नंबर नाइन एंड दिस इज़ एडिटोरियल कैमल इन द टेंट एक स्टोरी होती है उस स्टोरी में क्या होता है कि एक टेंट होता है उस टेंट में एक मर्चेंट सो रहा होता है उसका कैमल बाहर होता है उस कैमल को वो उस टेंट में थोड़ी सी जगह देता है ताकि उसको भी ठंड नहीं लगे तो कैमल थोड़ी सी जगह के लिए अंदर आता है जैसे जैसे नाइट प्रोग्रेस होती है कैमल अंदर आता है अंदर आता है अंदर आता है एंड बाय द मॉर्निंग ये जो मर्चेंट होता है ये बाहर हो जाता है और कैमल पूरा टेंट ऑक्यूपाई कर जाता है तो ये स्टोरी यहाँ पे इन्होंने बताया है कैमल इन द टेंट ये इन्होंने रिलेट किया है जैसे अभी इंडिया में हॉस्पिटल्स मेडिकल प्रोफेशनल्स इन सब का शॉर्टेज रहता है तो गवर्नमेंट ने इस बार बजट में प्लान किया है अटैच मेडिकल कॉलेजेस टू एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन द पीपीपी मोड इससे क्या होगा जो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है कंट्री में वो सॉल्व हो जाएगी एक नीति आयोग की भी स्टडी है उसने बोला था हम कंबाइन कर देते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द सेक्टर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इससे हमारी ऑगमेंट हो जाएगी मेडिकल सीट्स और मॉडरेट हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अब ये जो प्राइवेट सेक्टर है ना इट इज़ लाइक कैमल इट विल कम एंड कम एंड वन डे गवर्नमेंट वुड बी आउट ऑफ दैट टेंट ये जो प्राइवेट पार्टीज हैं ऐसा यहाँ पे ऑथर ने कहा है एडिटर ने कहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाएंगे ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को डेंट करेगा प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट और जो हेल्थ है वो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट कभी भी बैक सीट पर नहीं जाना चाहिए स्टेट का रोल वेलफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है आप गरीब हैं बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मेडिकल हेल्थ केयर तो हम हर चीज़ को प्रॉफिट से लिंक नहीं कर सकते हैं हमें कुछ चीज़ें वेलफेयर के लिए भी करनी चाहिए प्रॉफिट शुड नॉट बी अ मोटिव ऑल द टाइम हमें टू परसेंट ऑफ जीडीपी दिया है हेल्थ केयर में इसको राइज करने की ज़रूरत है तो यह इन्होंने यही बताया कि नोवल हो सकता है इससे हमारा शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का बट ये जो कैमल है ये टेंट में आने पर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं देन टूवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीति आयोग इसलिए बनाया था कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करें फेडरलिज्म मतलब एक सेंटर है और बहुत सारे स्टेट्स हैं ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं इन सबके सपोर्ट से कंट्री चलेगी ऐसा नहीं कि सेंटर बस सुप्रीम है और स्टेट्स उसके सब्सिडरी है ऐसा नहीं होना चाहिए अब जब एन आर सी और एन पी आर की बातें चल रही हैं तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इसे अपोज कर रहे हैं आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव बोलता है स्टेट्स कान डू दिस थ्री फिफ्टी सिक्स बोलता है अगर ऐसा स्टेट्स करेंगे मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल बना देंगे बिकॉज इंडिया इन दी एंड इज़ अ अनब्रेकेबल यूनियन है ऑफ ब्रेकेबल स्टेट्स मतलब स्टेट्स ब्रेक हो सकते हैं यूनियन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है बट वाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ये कैसे डिसाइड होगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है और क्या नहीं अगर एस आर बोमाई की बात करें केस की तो ये बोलते हैं स्टेट्स आर नॉट मेयर अपेंडिज टू द सेंटर मतलब स्टेट्स को इतना सेकेंड ऑर्डर ट्रीटमेंट भी नहीं देना चाहिए दे आर नॉट अपेंडिजिस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज वॉट वी वॉन्ट टू डे मतलब स्टेट्स और सेंटर दोनों मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आके काम करें ये नहीं कि दोनों अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं रिस्ट्रिक्टिव फेडरलिज्म नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सारे स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस लें उनको कॉन्फिडेंस में लेके सेम पेज में आए देन वी मूव फॉरवर्ड दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस इज वॉट वी शुड थिंक फॉर ये है ब्रेग्जिट ब्रेग्जिट मीन्स फॉर द ई यू एंड इट्स पार्टनर यूरोपियन यूनियन है उससे ब्रिटेन का एग्जिट हो गया तो इसको बोलते हैं ब्रेगजिट ये थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी को अभी तीन चार दिन पहले हो गया है ई यू माइनस ई यू के ये जो ब्रेग्जिट था ना इसमें केवल फिफ्टी टू परसेंट यू के सिटीजन्स ने रेफरेंडम में यस बोला था बट स्टिल फोर्टी एट परसेंट ने नो बोला था ब्रेग्जिट के लिए इसलिए इसमें काफ़ी डिले हुआ चैलेंजेस आए दो तीन प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए डेविड कैमरून देन थरेसा में देन फिर बोरिस जॉनसन आए देन अब फाइनली एक स्ट्रक्चर्ड एग्जिट हुआ है ये जो ऑथर है जॉसफ बॉरलन फोन्टलेस माइकल बैरनीयर ये कौन है ये हैं यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉरेन अफेयर एंड सिक्योरिटी पॉलिसी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ़ द यूरोपियन कमीशन तो इन्होंने ईयू यू के परस्पेक्टिव से बताया है कि ईयू यू को इतना डैमेज नहीं होगा इससे यूके के बाहर जाने से ये विड्रॉवल अग्रीमेंट के थ्रू हुआ है एंड ऑफ 2020 ट्वेंटी तक ट्रांजिशन पीरियड रहेगा यूके पार्टिसिपेट करता रहेगा कस्टम यूनियन में और सिंगल मार्केट में ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इस ड्यूरेशन में तो हम बहुत स्मूथली इसको करेंगे ताकि इतने सारे जो पीपल इन्वॉल्व है इकोनॉमी इन्वॉल्व है सेक्टर्स इन्वॉल्व है इनको किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन uh, नहीं आना चाहिए यहाँ पर अब देखो ये बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे ये है फ्री ट्रेड एरिया हम यूनियन की बात करें ना इकोनॉमिक यूनियन देन कंप्लीट इंटीग्रेशन तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन होता है पहला होता है फ्री ट्रेड एरिया ये कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो इसमें ये लेवल्स हैं विल स्टार्ट नाउ फर्स्ट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट जैसे नाफ्टा वगैरह है ना ये प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इंटीग्रेशन सेकेंड जो है वो है फ्री ट्रेड एरिया थर्ड इज़ कस्टम यूनियन फोर्थ इज सिंगल मार्केट फिफ्थ इज इकोनॉमिक यूनियन जैसे ईयू है ना यूरोप का इकोनॉमिक यूनियन देन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन और सेवन फिर फाइनली होता है कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इसमें लेवल ऑफ इंटीग्रेशन अलग है कि सेम एक्सटर्नल टैरिफ होगा कस्टम ड्यूटी सेम होगी पॉलिसीज सेम होगी फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड लेबर होगा पॉलिसीज डोमेस्टिक पॉलिसीज सेम होगी करेंसी सेम यूज़ कर लेंगे ऐसे करके डिफरेंट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन से ये सेवन लेवल होते हैं और जो सेवन होता है वो होता है कम्प्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अब यू को इससे यू से अलग होने के बाद अब हर किसी कंट्री से और इवन यू से भी सेपरेट डील करनी पड़ेगी तो अभी बहुत लंबा रास्ता ट्रेवल करना है यूनाइटेड किंगडम्स को ये है लेटर्स टू द एडिटर यूजुअली हम इस सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए रीज़न ये है कि ये जो एडिटर्स लेटर आते हैं ना ये मोडरेटेड होते हैं तो इनका लैंग्वेज और कई बार इनमें बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है और ये जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना ये फर्स्ट फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में रहती है तो अगर आप इनको पढ़ रहे हो समझ रहे हो तो इसको फर्स्ट हैंड जो फर्स्ट फर्स्ट टेंस में होता है ना उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स मिल जाते हैं सो रीड दिस लेटर्स टू द एडिटर इट टेक मोर देन टेन फिफ्टीन मिनट इट्स अ होम वर्क डू दिस यू विल गेट अ गुड परस्पेक्टिव और लैंग्वेज भी बहुत रिफाइन होगी इससे

थर्टीन गवर्नमेंट विल कैटेलाइज इंफ्रा इन्वेस्टमेंट कैटेलाइज का मतलब होता है किक स्टार्ट करना इनेबलर की तरह काम करना बिगिन करना सो so यहाँ पे इन्होंने कमेंट दिया है एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी सेज़ बजट एम्स टू हजबैंड अवेलेबल रिसोर्सेज ये है ऑपरेशन वेनेला ब्रिंग्स आइलैंड क्लोजर अभी मेडागास्कर में मेडागास्कर क्या है एक छोटा सा आइलैंड है ये आइलैंड इंपॉर्टेंट आइलैंड है और ये आइलैंड है अफ्रीका में नीचे टूवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ से पास होती है ये जो मेडागास्कर है हैव यू सीन दैट वी पैंगज ऑफ मेडागास्कर ये वही वाला मेडा मेडागास्कर है आइलैंड इंडियन ओशन में है ये साइक्लोन आया फ्लड्स आए तो हमने तुरंत आईएनएस एरावत को यहाँ पे सेंड ऑफ़ किया ये आईएनएस एरावत लेके गया फूड्स क्लोदिंग्स मेडिसिन और वाटर और इस पूरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वेनेला हमारी एक पॉलिसी है जिसका नाम है सागर पॉलिसी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर फॉर इंडियन ओशन रिम आइलैंड्स इससे हम क्या करते हैं हम फर्स्ट रेस्पोंडर हैं आइलैंड्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है इंडियन नेवी सबसे पहले वहाँ पे जाके उनकी हेल्प करती है अब ये जो मालदीव्स मॉरिशस और सीशल्स हैं ये हैं वेनिला आइलैंड्स यहाँ हमारे टर्म्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं इनसे इंडियन नेवी यहाँ जॉइंट पेट्रोल भी करती है इन इन इन, इन सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ और कोस्टल रडार और चेन नेटवर्क भी हमने इस्टेब्लिश किया है इसलिए अब यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ही वुड भी टेकिंग पार्ट इन लखनऊ भी जो डिफेंस एक्सपो हो रहा है उसमें ये यह यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करेंगे दिस इज़ अ गुड अप्रोच यहाँ पे बात है सियाचिन की ये हमारे सोल्जर्स हैं सियाचिन में हैं अब प्रॉब्लम ये है इनको मल्टीपर्पज़ बूट्स नहीं मिल पा रहे हैं लॉजिस्टिक्स नहीं मिल रही है वेल well, जो ग्लैश ये जो सियाचिन है ना ये ग्लेशियर है शीट ऑफ आइस है ये ईस्टर्न काराकोरम में है नाइनटीन में ऑपरेशन मेघदूत आया था तो इंडिया ने इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था ये बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है तो अक्सर क्वेश्चन मिलते हैं उठते हैं कि हमें यहाँ पे अपनी फोर्सेस रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में हार्श कंडीशंस हैं ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है बट वी हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज स्ट्रैटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब जो कैग है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल वन टू वन इसने इनका ऑडिट किया इस पूरे मैटर का और इसने देखा कि यहाँ डेफिशिएंसी है लॉजिस्टिक्स की बूट्स क्लोथ्स गॉगल्स ऐसे इंपॉर्टेंट आइटम्स इन्हें मिल नहीं पा रहे हैं एक आई है ये कारगिल कमेटी के बाद इसको बनाने का रिकमेंडेशन था इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो आज तक बन नहीं पाई है दिस इज़ येट टू तो फ्रुक्टिफाई तो इन्होंने एक कमेंट दिया है वी नीड टू गियर अप आवर दिस लॉजिस्टिक्स सप्लाई टूवर अवर डिफेंस फोर्सेज दैन दिस इज़ डेमोक्रेटिक रेजिज ओपन विद आयोवा कॉकेकस अभी प्राइमरी चल रहा है मतलब डेमोक्रेट्स जो पार्टी है उसके अंदर ही इलेक्शन हो रहे हैं उसके सपोर्टर्स आपस में मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा जो बिडेन और ये सारे उनके लीड कर रहे हैं अभी बर्नी सैंडर्स तो ये जो काकेकस होता है ये होता है मीटिंग ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चाइना ने कहा अर्जेंटली उसे प्रोटेक्टिव सूट्स एंड मास्क चाहिए यहाँ हालत बहुत ख़राब चल रही है चाइना में जो वुहान है स्टेट यहाँ की बहुत रेगुलेशन ज़्यादा है तो चीज़ें उभर के बाहर आती नहीं है मीडिया में बट अगर हम रूमर्स को सुने तो यहाँ काफ़ी सिचुएशन क्रिटिकल है अभी शॉर्ट कमिंग इन अवर वायरस रेस्पॉन्स चाइना ये ब्रिटेन ई क्यू यूरोपियन यूनियन विद्रावल then this is manufacturing activity reaches near eight year high in January. This is an excellent news. ये IHS market है इसने India manufacturing purchasing managers index बनाता है ये December में 52.7 था January में 55.3 है और ये पिछले आठ साल का highest है which is a good thing. इससे economy rebound, demand boost हो रही है growth of sales है input buying production ज़्यादा हो रहा है employment increase हो रहा है inventories जो होती है उसको जो बिल्डर्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको रीफिल कर रहे हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है कंज्यूमर गुड्स बढ़ रहे हैं ब्राइट स्पॉट है सो दिस इज़ अ गुड थिंग दिस इंडिकेट्स दैट इकोनोमी अभी अब रिवाइवल पाथ पे है देन ये हैं एन चंद्रा चंद्रशेखरन टाटा के हेडे हैं इन्होंने बोला है फॉर्मल जॉब्स होना बहुत ज़रूरी है और अगर अपन हंड्रेड कोऑर्डिनेट करें तो हम हंड्रेड मिलियन फॉर्मल जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं अगर डिफरेंट बॉडीज़ कोऑर्डिनेट विद ईच अदर सेवेंटी टू हंड्रेड मिलियन जॉब्स इससे क्या होगा एटलीस्ट टेन परसेंट एक्स्ट्रा इनकम आएगी इन दी हैंड्स ऑफ पीपल इनकी एक बुक है इस बुक का नाम याद रखना दिस इज ड्रिजिटल नेशन ये इन्होंने कोथर को ऑथर को की है रूपा पुरुषोत्तमन के साथ ये हमारे शक्ति कांता दास साहब हैं ये आर बी आई चीफ है इनको अवार्ड मिला है सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक रीजन द बैंकर्स रीजन देन ये गोइनका है इन्होंने बताया है बजट ट्वेंटी ट्वेंटी अ टाइट रोप वॉक इन डीट सी क्रिटिसाइज़ करना बहुत ईजी होता है गवर्नमेंट को भी अगर कोई भी काम कर रहा है उस वर्क का क्रिटिसिजम करना इज़ वेरी इजी यहाँ पर गवर्नमेंट की भी काफ़ी कंपलशन होती है उनको अपने रेवेन्यू को देखना पड़ता है देन डिफरेंट सेक्टर्स को प्रॉपरली जस्टिफाई करना पड़ता है कहाँ कितना पैसा डालना है प्लस इकोनॉमी में भी लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं हो जाए अगर ज़्यादा हम खर्चा कर दें सो देट वॉज अ टाइट रॉप रोप एंड अकॉर्डिंग टू हिम द गवर्नमेंट एज वॉक डिड वेरी वेल सो दिस इज़ पेज नंबर फिफ्टीन दिस इज़ पेज नंबर सिक्सटीन

दुत्ती चंद मैरीकॉम विनेश फोगट सिंधु मानसी जोशी टेल मी ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं दुत्तीचंद क्या स्पोर्ट खेलती हैं मैरीकॉम का क्या स्पोर्ट है विनेश फोगट का क्या स्पोर्ट है पी वी सिंधु एंड मानसी जोशी सो दिस इज़ टूडेज न्यूज़पेपर स्पोर्ट्स टुडे वी रेड अबाउट दिस बी बी सी इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड आर बी आई चीफ शक्तिकांता दास को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर फॉर्मल जॉब्स एन चंद्रशेखरन इनकी बुक का नाम है डिजिटल नेशन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पी एम आई इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है देन वी टॉक्ड अबाउट सियाचिन कैग रिपोर्ट बोल रही है इनको लॉजिस्टिक्स बेटर करो इनके लिए ऑपरेशन वेनिला सागर पॉलिसी ये लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है ब्रेगजिट इन ई यू टूवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैमल इन द टेंट देन दिस इज आई टी बी पी स्टाफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए देन दिस इज मुक्ति कैरावन देन दिस इज आई जी एन सी ए दिस इज इलेक्शन मैनिफेस्टो एंड दिस इज़ आर एफ आई डी टैग्ड वेपन दिस इज अ वेरी गुड स्टेप अभी हम सिक्स थाउजेंड वेपन में ये ट्राई कर रहे हैं अगर ये सक्सेस होगा तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे ये डिफेंस एक्सपो है विल नॉट स्पलर्ज टू एंड स्लो डाउन स्पलर्ज का मीनिंग होता है स्पेंड मनी फ्रीली देन एंड कोरोना वायरस केरला स्टेट कैलॉमिटी स्टेज एस डी एम ए ने इसे डिक्लेयर किया है देन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेज रिलीजियस बिलीव सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर